गाइस कोरोना में लोगों ने कई तरीके के इन्वेंशन करे हैं, कई तरीके के मास्क बनाए हैं, कई तरीके के पीपीटी सूट बनाए हैं, लेकिन इंग्लैंड में एक कमाल का मास्क देखा गया है। एक बंदा बस में सफर कर रहा था और उसने बाजू वाली सीट पे एक बंदे को देखा जिसपे बहुत कूल मास्क था, पर जब उसने नजदीक से और ध्यान से देखा तो उसे पता चला वो एक सांप है जो उसके मुंह पे लिपटा हुआ है और वो रेंग रहा है। और उसके बाद होना क्या था, उसने तुरंत फोन निकाला और खींच ली फोटो। और जिन्होंने वीडियो निकाली है उनको ये बहुत फनी लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसकी वीडियो निकाल ली। और जिसके ये गर्दन पे सांप रेंग रहा था उसने कहा कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज एनोनिमस कर देना, प्लीज मेरा ब्लर कर देना मुंह, बाकी तुम कुछ करो। और जब वीडियो वायरल हो गई तब बताया गया कि ये वैलिड मास्क नहीं माना जाएगा और आगे जाके कोई सांप ना पहने अपने मुंह पे। कई जो बिल्ली आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या लगता है ये कोई असली बिल्ली है या ये एक पुतला है? अगर आपका जवाब है पुतला तो आप गलत हैं। ये एक असली बिल्ली है। इसकी जो ऑनर है कैली, उन्होंने इसे 2011 में लिया था और उसके दो साल बाद 2013 में इसको कॉर्नियल अल्सर डायग्नोस हुआ था और साथ ही साथ इसको FHV यानी कि फिलाइन हर्पिस वायरस भी डिटेक्ट हुआ था और इसी वजह से इनको राइट आंख निकलवानी पड़ी इसकी। फिर सब कुछ सही हो गया था लेकिन 5 साल बाद फिर वही सब हुआ और इनको इसकी दूसरी आंख भी निकलवानी पड़ी। और 2019 में इसको एक स्ट्रोक भी आया था और इसकी ऑनर ने इसका एक इंस्टाग्राम पेज भी बना रखा है, टिकटॉक पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर आप बिल्ली लवर हैं, कैट लवर हैं भाई। गाइस आप में से अब्राहम लिंकन को तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं ये बता दूं कि वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अगर आप अब भी नहीं पहचाने तो मैं ये बता सकता हूं कि आपने अपने बचपन में इनकी बहुत सारी वैम्पायर मूवीज देखी होंगी जिसमें इन्होंने अपने आप को वैम्पायर हंटर या फिर कह सकते हैं इनकी दोस्ती वैम्पायरों से होती थी। फिलहाल जो भी हो ये बात तो हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इनको मारा गया और ये मरे थे 1865 में। न्यूज ये आ रही है कि एक टेलीग्राम बिका है, आप लिफाफा भी समझ सकते हैं, एक लिफाफा बिका है जिसमें इनके बाल लिपटे हुए हैं और उस लिफाफे पे खून लगा हुआ है इनका, और ये लिफाफा बिका है $81,000 का और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये होते हैं लगभग 65 लाख रुपए। और ये बेचा गया है RR ऑक्शन ऑफ बोस्टन में। और जब उनसे पूछा गया ये खरीदा किसने है तो उन्होंने यही जवाब दिया है कि बायर्स की डिटेल हम नहीं बताते। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। शेयर भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, मैं तो गा रही हूँ सुसाइड करने।